हे माय बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। आपके सवाल देख ले जाए। ये दांत क्यों दिखाए हैं हनी? एनीवे, दे हिप हॉप क्या है जिसकी ट्रेनिंग बीटीएस ह्यूम्स को अमेरिका हॉस्टल लाइफ में मिली थी? हिप हॉप काफ़ी फेमस है। आपने हिप हॉप म्यूज़िक सुना है या देखा है? हिप हॉप म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग, फास्ट बीट और एक परफेक्ट रैप वाला म्यूज़िक है। जनरली हिप हॉप म्यूज़िक में कल्चर, कंट्री, एजुकेशन, पॉलिटिशियन के बारे में बोला जाता है, यानी उन पर सवाल किए जाते हैं। हिप हॉप की शुरुआत अमेरिका में ही हुई थी। आप अगर हिप हॉप के लोगों को देखेंगे तो वो बाकी आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। वो अलग से ही पहचाने जाते हैं कि हाँ भाई, ये हिप हॉप के हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े टैटू, ड्रिंक, ड्रग्स, गन और क्राइम, इस तरह के वो बने रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एटीट्यूड रहता है, जैसे कि भाई हम ही है दुनिया में और तो कोई है ही नहीं। बीटीएस रैप और म्यूज़िक सीखने हिप हॉप हासिल गए थे। हिप हॉप वाले रैप बहुत अच्छा करते हैं। रैप का मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी बोलना नहीं होता है, रिदम के साथ गाना होता है, वो भी सीखना पड़ता है। रैप के साथ साथ बीटीएस ने यहाँ डांस भी सीखा था। फिर क्या था दी पपराजी क्या है एक वीडियो के टाइटल? पपराजी मैंने बताया था ना, शायद कल बताया था मैंने वाली वीडियो में, देखना दी। अगर एक इंसान अपना ड्रीम अपने कंट्री में नहीं पूरा कर सकता है और वो दूसरी कंट्री में उसे पूरा करने चला जाता है तो क्या ये गलत है? जैसे श्रिया और अरिया गई हैं, क्योंकि इन्हें बहुत हेट मिलता है कि वो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में काम कर रही हैं। थैंक यू एंड लव यू टू स्वीट हार्ट। नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आर्या और श्रिया जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं या जैसी उनकी आवाज़ है, बॉलीवुड के हिसाब से वो बॉलीवुड सॉन्ग पर सूट ही नहीं होती हैं, तो वो तो बाहर ही काम करेंगी। ये किसने कहा कि अगर आप अपनी कंट्री छोड़कर जाएंगे तो ये सही नहीं होगा? इंसान के दिल में अपने कंट्री और कल्चर के लिए सही भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप बाहर देश में काम करके भी बाहर वालों के सामने अपने देश का नाम बढ़ाएंगे। तुम इस देश से हो। अगर दिल में सही भावना नहीं है, अपने कल्चर का सम्मान नहीं है, तब कोई अपने देश में रहकर अपने देश का भी नाम डुबाएगा। बस हेटर्स को तो वैसे भी कोई वजह नहीं चाहिए होती है हेट करने की। सीधी सी बात है, अगर कोई किसी भी देश में काम करता है पर अपने देश के कल्चर को वो पकड़ के रखता है तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दी, मेरा एक क्वेश्चन था, के पॉप में कोई बैंड डिसबैंड क्यों होता है? प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। लव यू दी, लव यू टू स्टार्ट। बैन डिसबैंड होने के बहुत रीज़न है। सबसे पहले तो के पॉप में हमेशा 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी बैंड आता है तो उससे 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब वो बाद में डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट फिर से रीन्यू होगा या नहीं। सेकेंड रीज़न है कंपनी का बजट। के पॉप में बहुत सी कंपनी है और वो लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी ग्रुप को डेब्यू कराती है, लेकिन उनके पास ग्रुप को मैनेज करने का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है। एक के पॉप ग्रुप पर बहुत खर्चा आता है। अगर कंपनी को ग्रुप से फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो ग्रुप से पैसा नहीं कमा पा रहे, तब भी कंपनी ग्रुप को डिसबैंड कर देती है। थर्ड रीज़न, सेम सॉन्ग। कई ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कोई नयापन नहीं है, वो हर बार एक ही तरह के सॉन्ग गाते हैं, अपने गानों में कोई वैरायटी नहीं लाते हैं। अगर इंडस्ट्री में बने रहना है तो फैन को हर बार कुछ नया देना होगा। कई बार कंपनी के पास गानों की कमी रहती है। इसके अलावा फैंडम, के पॉप में ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं पर उनके पास उनका फैंडम नहीं है, मतलब एक फैंडम, फैंस का नाम नहीं है। के पॉप में वही ग्रुप हिट है जिसके पास उसकी फैंडम है। अगर आपके पास आपका फैंडम नहीं है तो आप बड़े ग्रुप नहीं हैं, फिर चाहे आप कितना भी अच्छा म्यूज़िक क्यों नहीं बनाते हो। इसके अलावा अपनी अपनी पसंद। जब तक कोई ग्रुप के मेंबर 25 या 26 साल या चलो 30 साल तक तब तक काम करते हैं, तब तक वो साथ में रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी आगे कैसे जीनी है इस पर सबके अपनी अपनी मर्जी होगी। हो सकता है किसी मेंबर को फ्यूचर में एक सिंपल लाइफ जीनी हो या किसी को अलग सोलो काम करना हो। अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना अपनी लाइफ के लिए। अब मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, 2 मेंबर आगे ग्रुप में काम नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी डेली लाइफ जीना चाहते हैं, तो ऐसे में बैंड को तो डिसबैंड करना ही पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट, जब पुराने आर्टिस्ट डिसबैंड होंगे तभी तो नए आर्टिस्ट को भी ज़्यादा मौका मिलेगा काम करने का, है ना? नेक्स्ट दी, मेरा क्वेश्चन है कि योंगतान का बर्थडे कब होता है और क्या योंगतान की सर्जरी हुई थी? दी बता दीजिए। लव यू दी, लव यू टू हनी।
योंगतान का बर्थडे 7 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कल। वी ने 2017 में योंगतान को अडॉप्ट किया था। योंगतान इतना फेमस है कि आर्मी खुद इसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है, स्पेशली वी के सोलो फैंस, और बहुत सारे डोनेशन भी करती है। नेपाल आर्मी ने एक बार योंगतान के बर्थडे पर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको खाना दिया था। इसके अलावा जो दूसरे देश के फैन क्लब हैं वो भी योंगतान के बर्थडे पर बहुत चैरिटी और डोनेशन करते हैं। योंगतान का बर्थडे बहुत बड़े तौर पर सेलिब्रेट होता है। रही बात योंगतान की सर्जरी की, तो यस, योंगतान के एयर पाइप बहुत ज़्यादा स्मॉल है जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि थोड़ी देर भागने से ही वो बेहोश हो जाता है। 2021 में 2 सर्जरी हुई थी पर वो दोनों की दोनों फेल रही। योंगतान अभी रेगुलर दवाइयों पर जिंदा है, यानी योंगतान को रोज़ दवाई खानी पड़ती है, डेली। योंगतान या योंगटांग, इसका मतलब होता है कोयला ब्रिकेट्स। वी ने योंगतान नाम इसलिए रखा क्योंकि ये कोयले की तरह काला है। नहीं यार, कोयला ज़्यादा काला होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि पहले मैं इसे कांटे वाला कुत्ता कहती थी। हालांकि आर्मी इन्हें प्यार से टैन या टैन कहती है। मानना पड़ेगा इस नन्ही सी जान को भी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।